नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां नेहरू हॉल के सभागार में गुरुवार को समाजवादी नेता स्वर्गीय इस दत्त यादव की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्तागण मौजूद रहे। मुख्य अतिथि आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव रहे। इस दौरान लालगंज सांसद दुर्गा प्रसाद सरोज, विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव समेत आजमगढ़ के तमाम विधायक व अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। बीजेपी सरकार पर धर्मेंद्र यादव ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्थिति बदतर हो रही है, कानून व्यवस्था फेल है, केवल बहाना कर समाजवादी पार्टी के लोगों को सताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को रोका है, जिसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए धर्मेंद्र यादव सांसद सदर आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। हम सभी जानते हैं स्वर्गीय दत्त यादव जी के योगदान को लेकर, जिन्होंने आजमगढ़ से छोटे से गांव से निकल के पूरा जीवन समाजवादी विचारधारा को फैलाने में, बढ़ाने में, गरीब दलित शोषित पीड़ितों के मजबूती के लिए सदे नेताजी के नेतृत्व में अपना पूरा जीवन लगाया था। ऐसे महान व्यक्तित्व की आज पुण्यतिथि थी। उस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका दिया आयोजकों ने, आदरणीय गुड्डू भाई ने, बहुत बहुत धन्यवाद देते।